गाइज वेलकम टू माई चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू कॉन्टेंट लाने वाली हूँ। एक्चुअली आज मेरे एकदम मूड बना है व्लॉग बनाने का, वरना मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। देखना होगा, देखना नहीं देखना होगा ना देखना। यार मैं क्या बोल रही हूँ, ये पहली बारी है मेरा, प्लीज़ सपोर्ट करना। एंड वी आर गोइंग टू जम्मू और हम अभी पहुँचने वाले अपने रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन मतलब कि हमारी गाड़ी आने वाली है अभी। और ये है, आज मैं पहली बार जा रही हूँ अपने भाइयों के साथ। दिस इज राघव फ्रॉम जलंधर। तो पहली बारी मैं जा रही हूँ इन दोनों के साथ, देखते हैं कैसा होता है, कैसा मजा आता है। साथ रहिएगा हमारी। Stay tuned guys। बहुत बकवास था। हम पहुंच गए हैं हमारे रेलवे स्टेशन। ये देखिए यार कैमरा ही नहीं, टू टांग मैंने कोई सामान पकड़ी, मैं तो व्लॉगिंग कर रही हूँ। इतना सारा सामान भाई जाडा। ये जा रही है मेरा सारा सामान उठा के, और इतना सारा मैं ऑलरेडी लेकर जा रही हूँ। यार मुझे लगा व्लॉग ना ना कैंसिल ही करना पड़ेगा, मैं थक गई यार, मैं थक गई। कंबल घुसाए जा रहे हैं, इतने सारे बैग है यार, ये नहीं हो पाने का। ये कर दो ना, ऐसे ही कर दो, अभी तो हमने लेने ही हैं। इन दोनों कितने कमीनों को लेके आई हूँ मैं अपने साथ। और तुम मेरे ऑर्डर सुनोगे, समझ आ गई? जब भी विश्वास करोगे आ गया, अकेले हैं। Hey guys, what's up? और आज पास में दिले बस छूट। यहाँ पर लग रही है बहुत ठंड। ये हमारा पूरा ट्रैक है, ये देखिए। Yes, पहली बार ठंड बहुत है, बहुत ठंड है यार, टाटा लगे। स्टेशन आ गया और यहाँ पर सब इतनी ठंड में वेट कर रहे हैं, और इनको अपने ट्रेन का नंबर ही नहीं याद। मैं बोल दे अभी आने में देर लगेगी, डिले हो गई यार। ये लोग जम्मू जा रहे हैं, इनके पास तो इतने कम बैग है, और हमारे पास इतना डेरा लेके आया हम, पूरा का पूरा है। वो ट्रेन आनी है अच्छा, अभी तक टाइम भी नहीं हुआ हमारा। ये हम सहारनपुर से निकलने लगे हैं, मेरे दोनों भाई बैठे हुए हैं फोन में लगे हुए हैं। और यार इधर भी थोड़ा ध्यान दे लिया करो, और यहाँ आंटी हमारे प्लानिंग बना रही है, बता रही है अगले दिन की। ऊपर भी तो 2 किलोमीटर है ना। हाँ जी हम आ गए हैं अम्बाला कैंप। ये हमारे चिप्सों का डेरा। पार्टी पार्टी पहे, पहे। मेरे सिल्क का है यार, कितना फॉग हो रहा है बाहर, दिखाई नहीं दे रहा मेरे सिल्क दे। तो पूरे 14 आवर्स बाद हम पहुंचने वाले हैं कटरा। भारी धुंध के कारण हमें नजारे नजर नहीं आ रहे हैं। राघव तनेश हेलो, आगे तेरा आ रहा है कटरा। ये भैया 200 ग्राम साइड हटो, एक्सक्यूज मी साइड साइड साइड।
ही आए हैं हम अपना ट्रेन का डिब्बा एक्सप्लोर करने। केड़ा डिब्बा है? डिब्बा हमारा था ऐसे ही। ट्रेन की हालत बड़ी नाजुक है वैसे, देख सकते हैं, लेकिन बाहर के नजारे मजा ही आ जाएगा देख के। ये पता नहीं किसका स्टेशन है, पता नहीं हमारा ही ना वो स्टेशन है। कटरा ही तो है, कटरा ही आने वाला है। तो अगर आप अपने लिए ट्रेन बुक कर रहे हैं तो जरूर से एसी वाली करें। पहले चेक कर लें, पहले चेक कर लें कि एसी वाली स्लीपर वाली, क्योंकि पहला बार तो धोखा हुआ, पहले आया टूरे है, हमें लगा एसी वाली है, फिर आया एस्टेट, तो हमारे साथ चीनी चीनी हो गया। बाय बाय। जय माता दी। साइड 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 50 ग्राम साइड। यार यहाँ गाने चल रहे हैं बढ़िया, लोग यहाँ पर मजे कर रहे हैं इस डब्बे में, सब एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं जम्मू जाने के लिए, वैष्णो देवी जाने के लिए। साइड साइड साइड। तो जम्मू जाने के लिए एक्साइटेड हो, मतलब वैष्णो दरबार? हाँ। जाना है वो है ये, और ये हमारा हेलीकॉप्टर जा रहा है। वैष्णो देवी वी आर कमिंग। तो ये बस हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं। चलो भाई अपने बैग बुक समेट लिए सारे, चलो भाई फिर निकलो। ओह कंबल कितने तय करे हमने, चकने भी अभी हम घुसाए किसने बैग के अंदर, हमने चकने भी अभी हम नहीं है, तुमने तो बस। आप व्यूज चेक कर सकते हो, हम आपके लिए व्यूज लेके आए हैं थोड़े थोड़े। बहुत वो नीचे बोले तो नीचे चेक कर ये सारी धुंध कटी हुई है गाइस, बादल नीचे आ चुके हैं, हम ऊपर आसमानी के आज मैं ऊपर, इट्स लुकिंग लाइक हेवन। आज मैं ऊपर आसमान नीचे।
दादी करने लायक जयकारा शेरवलीदा बोल सच्चे दरबार की जय। फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे रेलवे स्टेशन और सारे यात्री जा रहे हैं अपना सामान लेकर। हेलो गाइस, हम जाके सबसे पहले होटल ढूंढने वाले हैं क्योंकि हमने पहले बुक नहीं करा। बाकी सारी डिटेल्स बाद में बताएंगे कि हमने आनंद में क्या क्या किया, कौन सा होटल किया, कितने का किया वगैरह वगैरह वगैरह। जस्ट स्टे ट्यून्ड, आगे देखते रहे, पूरा देखना। जय माता दी। सिर्फ मुझे नहीं पता था कि मैंने दो दो कूली रखे हुए हैं, तो मुझे सामान पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी थी ये दोनों दो पहले। तो ये हमारे बैगों की चेकिंग हो रही है और बस अब हम पहुंच गए हैं, अपना रूम वगैरह बुक करेंगे। बाकी अभी कुछ खास है नहीं बताने के लिए, रूम में जाकर सब कुछ बताऊंगी। टाटा बाय बाय। टैक्सी लेने लगे हैं, ऑटो में हमारा सामान आ रहा नहीं था तो अभी एक कुत्ता लेने गए हैं टिकट। तो हम जा रहे हैं होटल राधा कृष्णा। ये हम बैठ चुके हैं हमारी टैक्सी में और हम कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता, इन्हीं से पूछ लो। रजिस्ट्रेशन ऑफिस जा रहे हैं अपना होटल का रूम देखने के लिए। थोड़ा तेज आवाज में तो गाने लगाओ। हमने अपनी रजिस्ट्रेशन वैष्णो परिवार के लिए करवा ली है और ये रहा हमारा कार्ड। पहले बैंडेड बैंड टाइप चलते थे, अब ये कार्ड चलने लगे हैं। तो अब हम जाएंगे, बस अब हम अपने रूम की तरफ ही जाएंगे। अभी हमने की नहीं, हमने सोचा कि ये इसके पास ही है तो पहले हम रजिस्ट्रेशन करवा लें फिर हम जाएंगे अपना रूम बुक करने के लिए। हमारा लगेज भी ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी तक। दो जने और गए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, फिर उसके बाद हम रूम जाएंगे, हमें फाइनली हमारा होटल मिल गया है राधा कृष्णा। तो नहीं, हमने दो तीन होटल देखे हैं, उसके हिसाब से हमारा ये हमें पसंद आया, होटल डिवाइन ओक गोल्डन डीप, जिसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। बाकी मैं बजट वगैरह के बारे में आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट उसमें। ये हमारा होटल है, होटल डिवाइन ओक गोल्डन लीफ, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका एम्बियंस वगैरह सब अच्छा है। हमें दो रूम्स ले लिए हैं डबल बेड के, 3400 रुपीज़। और ये दोनों मिलाओगे बस कर जा। ये भी व्लॉगिंग कर रहा है, इसने मुझे भूत चढ़ाया व्लॉगिंग करने का। ये बढ़िया सा गाना बजाए, जाओ सामान लेके आओ अपना सारा का सारा। हाय गाइस, तो सॉरी मैं तुम्हें रूम तो दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं सो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, थोड़ी स्टमक एक है क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया। तो अब हम पहले खाना खाने जाएंगे फिर हम चढ़ाई चढ़ने जा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको पूरी यात्रा कि हमने कैसे इंजॉय किया, कैसे किया, और बाकी जितनी भी डिटेल्स है वो सब मैं आपको अलग से बताऊँगी। ओके हाय गाइस, तो अब हम बैठ चुके हैं अपनी क्या बोलते हैं शटल टैक्सी कार जो भी होती है, होटल से ही मिलती है। तो अब हम चले हैं अपनी चढ़ाई चढ़ेंगे। हेलो गाइस, तो अभी हम कुछ खाने आए हैं, हमने ऑर्डर किया है दाल मखनी एंड बटर नान। उसके बाद एक्चुअली सुबह से कुछ खाया नहीं, खाना तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम तो खाना खुना हमने खा लिया और ये थाली जो इनसे खाई नहीं जा रही है, बड़े से फिनिश करके जाना। तो पहले फिनिश करके जाना, तू भी खा मेरा हो गया। खोलो वो साथी यहां पर देखो टेबल है तो लिख के यार तेरे डोले पे सिद्धू मूसे वाला नहीं चलने का। जय माता दी बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं इतनी थोड़ी है। जय माता दी। हां तो डाउनलोड कर लो यार यहां से इंटरनेट ले लो इनका। मतलब क्या क्या मिला के खिलाई जा रहे हो? तो मैं स्कूल में पता क्या करती थी, जितना भी बच्चों का टिफिन बचता था ना खाने के लिए वो सारा ना एक जगह मिक्स कर करके अपने चावल चावल में मिक्स कर करके सब्जी सब्जी अचार वो सारा मैं खा लेती थी। सामने बनाने जा रही हूँ एक नई रेसिपी,
तो सबसे पहले हमने दाल डाल दो चावल में, फिर साथ में ये वाली सब्जी डालो, फिर ये भी डाल दो। अब इसको मिक्स कर 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 खाओ। वाह क्या शानदार टेस्ट आया। जर्नी शुरू करने वाले है, बहुत हो गए और हम बहुत लेट हो चुके हैं। हमें 12 तो बज ही जाएंगे पहुँचने में। ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा। देखो हमारे डंडे, हम चढ़ेंगे सोटियां। रात को देखते हैं क्या नजारा। फर्स्ट टाइम आपको भी दिखा, आई कैन सी। तनिष्क का आपको क्या कहना है? बस क्या गए, कुछ कहने ही नहीं है। हमारी मालकिन ने हमें लेट कराता है। तो गाइस यहाँ से हम अपनी अब जम्मू की यात्रा शुरू करने वाले हैं। मेरे कुछ दोस्त वहाँ फंसे हुए हैं, वो भाई और दोस्त, उन्हें आने में भी टाइम लगेगा। मैं गर्ल हूँ तो मुझे पहले ही एंट्री मिल चुकी है। नाउ आई विल हैव टू वेट, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और ये हमें मिले हैं एक हमारे आर्मी में। तो आपको क्या कैसे, मतलब सही है चढ़ाई? अब जैसे हम रात को भी जा रहे थे तो सही होगा, मतलब रात को अभी रुकने का वो नहीं है। अच्छा, रात रुक नहीं सकते आप। और ये जो जम्मू में आजकल टेररिस्ट वगैरह पकड़े गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? मतलब जम्मू सेफ है या नहीं? सेफ है, सेफ है। ब्लॉग बनाते हैं, ये पहला ब्लॉग मैंने शुरू किया है अब। आज पहला, आज ही शुरू। क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम है? मेरा कीर्ति है ना, कीर्ति। कीर्ति रुड़की उत्तराखंड से आई है। ब्लॉग का नाम क्या है? अच्छा, कीर्ति सूरी। थैंक यू सर, जय हिंद। अपनी यात्रा शुरू कर दी है। ये मेरे दो भरा है, प्रैम पे बैठना। मेरे भरा कुछ पकड़ा तो हुआ नहीं, चढ़ा देंगे। मेरी क्या गलती, तुमने पकड़ तो लिया, तुम मेरे, तुम ही मेरे पिट्ठू हो। ये देखो इसको घोड़े के साथ। और ये जा रही है वो, तुम क्या कर रहे थे? क्या है इसका नाम? भांग गंगा। इसका नाम क्या है नदी का? बाण गंगा है। हाँ तो ये बाण गंगा है, छिट्टे मार के भी जा सकते हो पहले यात्रा शुरू करने के लिए। अब तुम्हारी मर्जी है, हम नहीं कर रहे हैं, बहुत ठंडा है। क्या कर रही है ये लोग? तो एक तो इन्होंने बहुत लेट लगाई आने में। गर्ल्स का ऐसे फायदा है, एक सेकंड, गर्ल्स का फायदा है उन्हें एंट्री जल्दी मिल जाती है, और लड़कों के ऊपर चेकिंग होती है। तुम्हें टेररिस्ट समझते हैं, बंदे ज्यादा नहीं, तुम्हें टेररिस्ट समझते हैं। तो बाकी का हम आपके कंटिन्यू रहेंगे। बाय बाय। बाण गंगा जा रही है, अगर आपका मन हो तो यात्रा शुरू करने से पहले बाण गंगा में स्नान कर सकते हैं या छींटे मार सकते हैं। हमने तो करा नहीं ऐसा कुछ। ये और ये हम नए रास्ते से जा रहे हैं, जिसमें ना आगे है ना कोई पीछे है, बस जो है वो साथ साथ है। यात्रा शुरू करने से पहले एक वो तो कर लो, जय करा शेर वाली दा, बोल साचे दरबार की जय, भाग के प्यार की जय। मैं मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय हो। यार यहाँ तो सारे में हमारी आवाज गूंज रही है, और कोई है ही नहीं। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय, सदाई जय हो, सदाई जय हो। ठंड बहुत, कितना बढ़िया व्यू है। और हमने जाना है कहाँ वो मुझे नहीं पता। चलते रहो, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। क्या यार, कुछ तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसे कहीं भी मत पहुंच जाना। तो बस स्टे स्ट्रॉन्ग और चल पड़ो। ये सोचो कि बस आ गया, आ गया, बस आ गया, आने वाला है। ये सुनसान रास्ते से जा रहे हैं हम, एक न्यू एक्सपीरियंस है, न्यू एडवेंचर है, सब कुछ न्यू है। तो घर वाले देखेंगे ही, जब जिंदा वापस आएंगे, ढंग से आराम से आएंगे, खुश होंगे। तो ये आ रहे हैं मेरे दो भरा छपनी धुन में। और जय माता दी बोलो। सिद्धू मूसे वाला चला रखा है यहाँ पर भी,
और ये है सेम ट्रैक सूट में। जरा पोज तुम्हारा एक बार दिखाओ तो हमें हम तुम्हारा सेम ट्रैक सूट। ओ सिद्धू मुझसे वाला नहीं चला रहा। जय माता दी। तो ये मेरे दो भाई अपने सिद्धू मूसे वाला के दुख में उन्हीं के गाने सुनेंगे। यही बेस्ट है ना। जय माता दी। जय माता दी। फैन कास्ते आ गए वैष्णो दरबार की यात्रा में। ये मैंने स्वेटशर्ट चेंज कर लिया है क्योंकि वो सिर्फ फैशन वाली स्वेटशर्ट थी, वो फैशन वैशन करने के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे बहुत ठंड लग रही है। ज्यादा और है ज्यादा। चंदा मामा भी निकल गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और हम रात को चढ़ाई करने जा रहे हैं। और ये देखते पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा। तो अब हम यहाँ पर कहीं रुके हैं। यहाँ से हमने लेनी है यात्रा आपकी, यहाँ से हमने लेनी है ऑटो। ये तो बताओ चांदी का सिक्का ही मिलता है हमें। हाँ। और ये मेरे दोनों प्राल बड़े स्मार्ट लगते भैया। ये देखो सेफ्टी गार्ड, अगर ये मेरे बॉडी गार्ड बन के आए हैं। ओ बोलो हर हर। हमारी कोई चेकिंग चुकिंग नहीं करानी पड़ती। वो देखो व्लॉग बनाने लग गया है, चेक कर देना। हमें आग सेकने का एक पॉइंट मिल गया है, और इसने अपनी सारी लाठी जो तोड़ी थी वो डाल दी अपनी आग में। हाँ ले ले। चलो भाई चलो, न्यू डंडी ले ली ला। जागते रहो। लाइन नहीं आनी थी बाबा जी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। गाइस पता नहीं मैं ये किन मेरा बोले बाबा किन के लाशा। गाइस गलती से मैं भोले भक्तों के साथ आ गई हूँ, मुझे देवी माता के भक्तों के साथ आना चाहिए था। पूरे रास्ते इन्होंने महाकाल के गाने लगाए हुए हैं, माता रानी के गाने सुन रहे हैं। हम बहुत थक चुके हैं। रास्ता आए मुझे भरम था ये क्या बुरा है क्या भला। ये सारे महाकाल के भक्त और आए हैं देवी माता की चढ़ाई चढ़ने। तो गाइस हम बहुत आगे आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपका मैकडॉनल्ड्स भी आ जाता है। तो अगर आपको बर्गर बुर्गर फ्रेंच फ्राइज डबन है तो डब सकते हो। बीच रस्ते में आराम से बगे करके जाओ। हम थोड़ी देर बैठने वाले हैं, वैसे मेरा मन नहीं है बैठने का। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय करा शेरवाली दास सच्चे दरबार की जय। तो गाइस हम बड़ी मुश्किल से चल गए और इतनी आगे आ चुके हैं, और अभी हमें बहुत ऊपर जाना है। तो बस सारे बोलो जय माता दी और चलते रहो जम्मू आने, वैष्णो देवी आने की हिम्मत करो। जय माता दी बोलते बोलते चलते जाओ। तो ये एक बड़ी शानदार जगह आई है बीच में, फाउंटेन ही फाउंटेन। यहाँ लंगर भी रखते हैं, अभी हम रात को आया तो लंगर कोई मिलेगा नहीं, मुश्किल है।
और हम अर्थ कुमारी पे अभी 4.5 किलोमीटर तक अराउंड बचा है, तो वहाँ पे पहुँचने वाले हैं हम। बाकी आगे बनते रहिए साथ साथ। तो गाइस हम थोड़ा लंगर लुंगर खाने आ गए हैं, तो ये रही हमारी चाय। अच्छी ये तनिष्क तनिष्क खा रहे हैं, हम दाल चावल खा रहे हैं, खा रहे हैं दाल चावल, बढ़िया मजा आ रहा है। आप भी आओ यार, लंगर तो बढ़िया लगा है लोगों को, है ना? मिर्चा भी है, चाय बहुत बढ़िया है, लंगर भी होगा, हम का थोड़ा सा पी रहे हैं, लंगर कह दिया मैंने, चाय पी रहे हैं, लंगर तो ये खा रहा। पूरी फीलिंग के साथ जय माता दी। यस, पूरी फीलिंग के साथ खा रहे, जरूर आइए। यस, आपका मन ऑटोमेटिकली कर देगा हमारा ब्लॉग देख के। यस, हमारा ब्लॉग देख के आपका, बस आपको कमेंट कर देना, आपको कोई गलत चीज लगी हो, आपको कोई गलत चीज लगी हो कमेंट कर देना, अच्छी चीज लगी हो तो जय माता का नाम लिख दे, माता जी जय माता दी। नहीं कुछ हमने कोई गलती की हो, कुछ ऐसे किया हो हमने, तो वो आप कमेंट में बता देना, इस साल की खुशी में हमें माफ कर देना और लिखना कमेंट। ऐसा लग रहा स्कूल ड्रेस पा के आयो? नहीं, हम अपने स्कूल जा रहे हैं ना, जय माता दी स्कूल है हमारा, साथ में आईडी कार्ड भी पहन लिया, जय माता स्कूल का नाम है और अभी हम जा रहे हैं। ये आईडी कार्ड है हमारा स्कूल, क्या स्कीम चल रही है राघव दसेगा? अगर आप ट्रैक सूट अकेला लेते हैं तो आपको 30% मिलेंगे, अब आप ट्रैक सूट से साथ कुछ और भी मिलते हैं तो आपको 40% मिलेंगे, मतलब आप एक तो इन्होंने 3500 ओवरऑल 3500 में इन्होंने ट्रैक सूट लिया और साथ में स्वेटशर्ट ली, स्टेटस वो जो भी है, चल इतना नहीं बताना। चलो ठीक है, ये खा रहा है दाल चावल के मजे लिए जा रही है और हमारे चाय के। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अर्ध कुंवारी और हम इसी जोश और होश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सारे लोगों में कितना जोश भरा हुआ है। जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। तो अर्धकुंवारी तक रास्ता बड़ा तिखा होता है, चढ़ने में बड़ी परेशानी आती है, बट अर्धकुंवारी से आगे रास्ता ठीक ठाक रहता है, चढ़ने में कोई थोड़ा सरल होता है, चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट अभी भी कितने किलोमीटर बाकी है? 6.5 किलोमीटर अभी भी बाकी है और हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस अब थोड़ा सा ही टाइम बचा है भवन को आने में, अराउंड 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर। और मेरे भाई पता नहीं कहाँ रह गए, मैं पहले ही चढ़ के ऊपर आ गई जल्दी जल्दी। उनका कोई लंगर नहीं मुकता, कभी कभी उन्होंने कड़ी चावल खा रहे हैं, कभी उन्होंने दाल चावल खा रहे हैं, कभी चाय पी रही है, उनका कोई मुकता नहीं मरेगा, खुद आ जाओ। मैं पहले ही चढ़ के आ गई हूँ और पहुँचने वाली हूँ। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं जम्मू और रात बहुत हो चुकी है, यहाँ ठंड बहुत हो रही है, सब में बहुत उल्लास और जोश भरा हुआ है, दरबार भी आ गया है, लेकिन ठंड बहुत है, प्रसाद हमने ले लिया है, बाकी की बात बाद में करूंगी क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। तो ये रही जम्मू की वादिया, पूरा शहर वो गाड़ी आती है। भक्त जनो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी नहीं थक गए, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है हम, टेंशन ना ले। और तो फोन ना करा दियो मेरा। बढ़िया से शॉपिंग शॉपिंग करके आ चुके हैं और ये दोनों भैरव बाबा के हो गए हैं, चक्कर चक्कर काट के और सो चुके हैं यहीं पे। ओके गाइस, तो फाइनली जम्मू से निकलने लगे हैं, अपने घर जाने लगे हैं, बैठ गई है, ये भी
रेलवे स्टेशन। ट्रेन को चलने में 20 से 30 मिनट बाकी है और मेरे दो भाई यहाँ पर मुंह सुजा के बैठे हैं, एक मुंह सुजा के बैठे और एक मुंह फुला के बैठे हैं, और ये दोनों मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। क्या किया जाए, इनको कैसे मनाया जाए प्लीज कमेंट सेक्शन में चीज मुझसे बताइएगा, कैसे इन्हें मनाना चाहिए। ये लड़के ना होते ही ऐसे हैं, एक बात को ना मानते ही नहीं है और लड़कियाँ एकदम मान जाती हैं। देख लो तो मैं आपको सारा बताऊंगी। हमने जम्मू का बाजार घूमा, मैंने बहुत सारी चीज़ें ली। यहाँ के सबसे स्पेशल है राजमा, जो कि मैं अपने मामा के लिए लेके जा रही हूँ, और हमने बादाम लिए, आम पापड़ लिया, वो सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी बाद में। ओके वापस अपने रुड़की शहर आ चुके हैं। एक्चुअली बाकी का व्लॉग जब भैरव बाबा वगैरह गए थे वो हमने शूट नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा था तो थे। हम कल 7 बजे वापस आए हैं और अभी बहुत ठंड हो रही है रुड़की में। रुड़की में पता नहीं कहाँ से बन गया मौसम, पता नहीं वहाँ इतनी ठंड लगी थी, यहाँ से वहाँ तो धूप टेढ़ी हुई थी गाइस, जैसे आपको दिखाया था हवा चल रही है। Yes. तो बाकी आपको बजट वगैरह के सारा हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेन की टिकटें हमारी गलती से स्लीपर में कर ली, तो 1000-1000 की हो गई। गाइस ये गलती आप मत कभी भी ना करना, आप ये गलती एसी वाली ही करना, हमें सुकून वाली नींद चाहिए तो, और yes. साफ चाहिए। बाकी पूरा मजा आता है ट्रेन में, मजा करके जाते हैं, स्लीपर में भी टेंशन नहीं है। हम स्लीपर में भी मजे करके गए, अगर किसी ने करना स्लीपर में भी वो सफर कर सकते हैं। बाकी हमने 2 महीने पहले टिकटें बुक करा ली थी, 2 महीने पहले करानी चाहिए ताकि कंफर्म हो जाए लास्ट के टाइम पे टिकटें मिलना इस पॉसिबल। और उसके बाद फिर हमने टैक्सी टूक्सी करी, ऑटो लोगे कम देने, ऑटो में लो, टैक्सी लोगे तो 210 रुपये तक लग जाएंगे। हमारे पास तो बैग ही बहुत ज्यादा थे, हम 3 देखा ही होंगे सारे। उसके बाद हमने होटल देखे 2-3, तो कम से कम 2-3 होटल देखो, उसका एम्बियंस देखो कि होटल के रूम्स वगैरह क्लीन है कि नहीं है, तभी अपना होटल बुक करना। yes. हमने जो होटल बुक किया था वो था होटल डिवाइन गोल्डन लीफ, एंड उसमें हमारा 3000 में आ गया था रूम। yes. हमने ट्रिपल बेड का ले लिया था। बाकी उसके बाद हमने फिर खाना वाना होटल में खा लिया था थोड़ा सा, बाकी आप मतलब सही होता है उसका भी रेट वगैरह, ना कोई ज्यादा बजट बजट हमने ब्रेकफास्ट किया गाइस, हमने बस होटल में हमने ज्यादा एक्सपेंसेस ज्यादा अपने बढ़ाए नहीं, थोड़ा लिमिटेड ही लेकर चले थे। और फिर अपना ऑटो वगैरह में आने जा, और हाँ होटल में ही आपको मिलती है सारी जो भी फैसिलिटीज होती है ना, फ्री वाईफाई होता है, नेट वगैरह, और होटल में ऑटो में नहीं, ऑटो वगैरह मतलब उनकी शटल वगैरह सब आपको अवेलेबल होती है, वही लोग आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं, वही लोग आपको लेकर आते हैं। फिर यहाँ से हम गए थे और ऊपर प्रसाद वगैरह लिया हमने, उसमें भी ज्यादा अमाउंट होता नहीं है, ज्यादा हम शूट नहीं कर पाए, हम थक चुके थे, हमें ना सांस चढ़ रही थी ना, बस ठंड बहुत ज्यादा थी इसलिए। टोटल हमारा 3 दिनों का आ गया था गाइस, क्योंकि मैंने फालतू की शॉपिंग भी करी थी, कुछ सेल्स में क्लचर क्लचर ले लिए हैं, जम्मू के। यस और गाइस वन एंड इम्पोर्टेंट बात हम एक आपको बताना चाहते हैं, बताओ। और वो जो मुझे वहाँ सोल्जर मिले थे, मैं उनकी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने उन्होंने व्लॉग में शेयर करने से मना कर दिया था बिकॉज वहाँ अलाउड नहीं होता, बट थोड़ा सा जैसे टेररिस्ट का आजकल बता रहे हैं तो वो थोड़ा खतरा है। 31 दिसंबर को भी जैसे वहाँ यात्रा में भी कुछ टेररिस्ट को पकड़ा गया था, वो हमसे शेयर नहीं किया, बट डरने वाली कोई बात नहीं, हमारी मिलिट्री हमारे सोल्जर्स वहाँ पर वर्क कर रहे हैं हमारे लिए, सब हमारे लिए वहाँ खड़े हुए हैं, तो आपको बिल्कुल उनका साथ निभाना चाहिए, उनके लिए प्रे करना चाहिए कि वो बिल्कुल सेफ रहे, बिकॉज
वो जो थे जो वीडियो में दिखाए थे मैंने वो कश्मीर से थे, लेकिन उनकी फैमिली बहुत दूर रहती है, बट दे आर सो स्ट्रॉन्ग और उनको इतना अच्छा फूड दिया जाता है। वो खुद कहते हैं कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया जाता है। स्ट्रॉन्ग रहने के लिए वो पूरा वेज नॉन वेज सारा अच्छे से खाना खाते हैं। सो जस्ट प्रे फॉर देम, अपने इंडिया पर बिलीव रखें, अपनी फैमिली, अपने मिलिट्री सोल्जर्स, उनके लिए सबके लिए प्रे करें। बस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि एक टेररिस्ट को कश्मीर चाहिए, क्यों चाहिए भाई, इतना है तो उनके पास ऑलरेडी, और क्या करना है। गाइस वन इम्पोर्टेंट लाइक कमेंट शेयर, और आपको कोई भी गंदी चीज कुछ भी गलत बात लगी हो तो गलत बात लगे या अच्छी बात लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर कर दें। ओके गाइस थैंक यू, बाय सो मच, जय माता दी। खा के आए हम।